अब हम लोग अपने इस कोर्स के आखिरी चरण में आ पहुंचे हैं और हमने अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई और अपने को वन डायमेंशनल वर्ल्ड में हमने सीमित रखा ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ठीक ढंग से आप समझ सके। वेव फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ का संबंध होता है वेव फंक्शन से, ऑपरेटर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं, तमाम चीज़ें हम लोगों ने की। आज हम थ्री डिमेंशन में थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे और हाइड्रोजन एटम तक की चर्चा थोड़ी सी करने की आज हमारी योजना होगी। जब हम थ्री डिमेंशन में जाते हैं तो जो पॉइंट है जिसका फंक्शन हम वेव फंक्शन कहते हैं, जैसे हम एक्स का फंक्शन लिखते रहे हैं क्योंकि हमारे एक पॉइंट उसी लाइन के ऊपर है, एक्स से डिनोट हो जाते हैं। थ्री डिमेंशन में हमें तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स वाई जेड या फिर और कोई सिस्टम का कोऑर्डिनेट चाहिए। हाइड्रोजन एटम में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में पोटेंशियल केवल आर पे डिपेंड करता है और किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इसी पे पोटेंशियल डिपेंड करता है। ऐसी हालत में एक्स वाई जेड के बजाय आर थीटा फाई इसका इस्तेमाल ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो अगर हमने एक्स वाई जेड एक्सिस बनाए, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, और कोई पॉइंट है और उसको हमने ओरिजिन से मिला दिया, तो जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आर कहते हैं। Z एक्सिस से ये लाइन जितना कोण बनाती है उसको हम थीटा कहते हैं, और यहाँ से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ओरिजिन से मिला दीजिए, वो जो लाइन एक्स एक्सिस से बनाती है एंगल उसको फाई कहते हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई ऐसे लिखते हैं। तो जब हम थ्री डिमेंशन में जाते हैं और हमारा वेव फंक्शन अब आर थीटा फाई का फंक्शन है या एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेबल आता है रास्ते में जिसको कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। आप जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके लिए होता है, आर क्रॉस पी इसके लिए होता है। अगर आप इसको कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखें तो एल एक्स जो है इसका एक्स कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो वो होगा वाई पी जेड और माइनस जेड पी वाई, ऐसा। इसको आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख लीजिए, इसी तरह से इसको भी आप पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप लिख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए और आई वाले को इकट्ठा कर लीजिए, तो ये बनेगा एल वाई इसकी जगह पर जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और एल जेड यानी एक्स पी वाई और माइनस वाई पी एक्स, ये ऐसा। क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं और इसको हम वास्तव में कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल नाम पे मत जाइएगा, कोई भी ऑर्बिट नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में, ऑर्बिट नाम की चीज़ होती ही नहीं है। इसका नाम है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो भी एंगुलर मोमेंटम इस तरह से मोमेंटम के कारण से, मोशन के कारण से डिफाइन किया जाएगा वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही कहा जाएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग हमारे ऑपरेटर्स होंगे वो इन्हीं से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। एल एक्स के लिए जो ऑपरेटर है वो ऐसा लिखेंगे, कैपिटल एल एक्स। ये वाई के लिए जो ऑपरेटर है कैपिटल वाई, यानी मल्टीप्लिकेशन बाय दिस वाई कोऑर्डिनेट, ये है। और पी जेड के लिए कैपिटल पी जेड, और कैपिटल पी जेड यानी क्या, माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल जेड, जो हमारा मोमेंटम का ऑपरेटर है उसी ढंग से, माइनस जेड और तब यहाँ पी वाई, ऐसा। ये है माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल वाई। ऐसे करके आप एल एक्स एल वाई एल जेड डिफाइन कर सकते हैं, और एक बार एल एक्स एल वाई और एल जेड डिफाइन हो गए तो फिर आप दो एक और ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं, एल स्क्वायर यानी एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर और प्लस एल जेड का स्क्वायर। और ऑपरेटर के स्क्वायर का क्या मतलब है, एल एक्स का स्क्वायर यानी एल एक्स इंटू एल एक्स, ऐसा। और इसका क्या मतलब है कि जिस भी फंक्शन के ऊपर आपको इसको ऑपरेट करना है पहले इसको ऑपरेट कर लीजिए, जो नया फंक्शन आए उस पर फिर से ऑपरेट कर लीजिए,
तो इसको हम लोग कहते हैं एल एक्स स्क्वायर, ऑपरेटर का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से एल वाई स्क्वायर, एल जेड स्क्वायर, और फिर उन सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो बनता है एल स्क्वायर। अलग से नाम नहीं है इसका कोई, लेकिन एल स्क्वायर को आप समझ सकते हैं एक तरीके से, ये है मैग्नीट्यूड स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इसके लिए है। फिर एल जेड तो है ही अपना, एल जेड, एल जेड अगर आप यहाँ से लिखेंगे तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स ऐसा। और ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं, यानी आप पहले इसको ऑपरेट कीजिए तब इसको ऑपरेट कीजिए, या पहले इसको ऑपरेट कीजिए तब इसको ऑपरेट कीजिए, एक ही चीज़ मिलती है। और इसलिए इनके कॉमन आइगन फंक्शंस हो सकते हैं, जो इसका आइगन फंक्शन है वही इसका आइगन फंक्शन भी है, ऐसा हो सकता है। और वो जो कॉमन आइगन फंक्शंस हैं इस ऑपरेटर के, उसको हम लोग लिख सकते हैं कोई भी फंक्शन आर का हो, क्योंकि इसमें जो ऑपरेशंस होने हैं वो थीटा फाई के ऊपर होने हैं, आर पर जो है वो अपनी जगह पे ये बना रह सकता है। और फिर एक खास खास फंक्शन है, क्योंकि हम आइगन फंक्शन ढूंढ रहे हैं इसका और इसका, तो उसको ऐसा लिखते हैं वाई एल एम थीटा फाई, ऐसा लिखते हैं। ये केवल थीटा और फाई का फंक्शन है, आर का पार्ट कोई भी फंक्शन से आप गुणा कर लीजिए वो आइगन फंक्शन बना रह जाएगा। लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक है, पहले तो इसमें ये दो चीज़ें आ रही हैं एल और एम। ये एल जो है इसका मान 0, 1, 2, 3 इस तरह से हो सकता है, और एम का मान 0 से शुरू होकर के एक एक बढ़ता हुआ और इस एल तक जा सकता है, बल्कि माइनस एल से ले लीजिए या प्लस माइनस लिख लीजिए, तो माइनस एल से लेकर के और प्लस एल तक ऐसा इसका मान जा सकता है। अर्थात अगर एल बराबर 0 हो तो एम का मान माइनस 0 से प्लस 0 तक, यानी 0 ही। एल का मान अगर 1 है तो एम का मान माइनस 1, 0, प्लस 1। एल का मान अगर 2 है तो एम का मान माइनस 2, माइनस 1, 0, प्लस 1, प्लस 2। इस प्रकार से एल और एम के ये इन्हीं खास खास मानों के लिए आपको ये फंक्शंस, ऐसा आइगन फंक्शंस मिलेंगे। एल स्क्वायर इसको अगर आप लिखें फाई आर थीटा फाई, ये वाला तो एल स्क्वायर अगर इस पर ऑपरेट करेंगे, इस पर अगर एल स्क्वायर ऑपरेट करेंगे आर थीटा फाई, किस पर? इस पे, ये इस वाले फाई पे, तो आपको क्या मिलने वाला है? एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर टाइम्स यही फंक्शन दोबारा। देखिए फाई दो बार है इसलिए इसका सिंबल ऐसा बना देते हैं आर थीटा फाई। ये इसका, ये जो फंक्शन है वो इसका आइगन फंक्शन है, इस पर ऑपरेट कीजिए, यही फंक्शन दोबारा मिलता है एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से एल जेड अगर आप अप्लाई करेंगे, इस ऑपरेटर को लगाएंगे इस पे, इसी फंक्शन पे, सेम फंक्शन इसी फंक्शन पे, तो वो मिलेगा आपको एम टाइम्स एच क्रॉस और फिर यही फंक्शन ऐसा। तो ये कॉमन आइगन फंक्शंस हैं इसके। तो एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट आप कभी भी नापेंगे तो आपको एम टाइम्स एच क्रॉस यही मिलने वाला है। एम का वैल्यू 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 वगैरह हो सकता है, लेकिन यही मिलने वाला है। उसी स्टेट में, उसी स्टेट में अगर आपने एल स्क्वायर को पूछा मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो इतना मिलने वाला है, एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर इतना मिलने वाला है। तो ये इसके आइगन फंक्शंस हैं, ये एक जानने की बात है। और एक और चीज़ आती है, और जिसको हम कहते हैं वो भी एंगुलर मोमेंटम ही है, उसको हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो पार्टिकल के पास में इस आर क्रॉस पी के अलावा भी एंगुलर मोमेंटम होते हैं, यानी स्पेस में वो चले उसका लीनियर मोमेंटम हो, और स्पेस में चलने के कारण से उसका एंगुलर मोमेंटम है, वो तो है ही, वो तो ये सब है ही। इसके अलावा भी पार्टिकल को, जिसको कि मोशन से कोई मतलब नहीं है, चलने से कोई मतलब नहीं है,
उसके लिए भी एक एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। फिर से शब्द पे मत जाइएगा, कोई स्पिन नहीं हो रहा है क्योंकि स्पिन भी मोशन है और मोशन के कारण जो भी एंगुलर मोमेंटम है वो यहाँ शामिल हो चुका है। तो उस पार्टिकल का अपना एक इंट्रेंसिक, अपना एक अंदर का स्वतः एक एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। उसके लिए हम लोग ऑपरेटर का फॉर्म नहीं बता सकते लेकिन ऑपरेटर फिर भी डिफाइन कर सकते हैं, उसी प्रकार से एस स्क्वायर और एस जेड ऐसे ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो, ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे सबसे कॉमन पार्टिकल्स हैं, उन सब में बड़ा अच्छा है कि ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो ये एल जैसे लिखा है उसी तरह से यहाँ एस लिखते हैं और उस एस का मान सिर्फ और सिर्फ हाफ हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। और करस्पॉन्डिंगली जो एम है, इसका जो एम है उसको एम एस लिखें अगर, तो प्लस और माइनस हाफ इतना ही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ हैं। और ये जो फंक्शन लिखा है हमने थीटा फाई का, अलग अलग एल के लिए और अलग अलग एम के लिए, इसके अपने अपने कुछ फॉर्म्स होते हैं, तो वो हम आपको दो तीन एल और एम के लिए क्या फॉर्म्स होते हैं वो एक टेबल अभी बना करके आपको दिखाते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि अच्छा जब L 0 होता है, M 0 होता है तो ये फंक्शन क्या होता है, L 1 होता है और M फिर प्लस 1, 0 या माइनस 1 हो सकता है, तो वो क्या फंक्शंस होते हैं, एक टेबल अभी आपको हम दिखाते हैं थोड़ी जगह बना के। तो ये कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर लिखे गए हैं। L का वैल्यू अगर 0 हो और उसके M का वैल्यू भी अगर 0 हो तब वैसी हालत में जो YLM थीटा फाई हमने लिखा था वो जस्ट कांस्टेंट है 1/√4π। और यही कांस्टेंट क्यों है, इसलिए कि एक नॉर्मलाइजेशन का मामला है, स्क्वायर करके इंटीग्रेट करके क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसके लिए ये कांस्टेंट है। तो ऐसा न इसमें थीटा है न इसमें फाई है, ये थीटा फाई से इंडिपेंडेंट है। YLM कोई भी थीटा लें, कोई भी फाई लें, यानी इधर लें या उधर लें या उधर लें या उधर लें, कहीं पर भी लें, वो हमेशा एक ही जितना होना है, कांस्टेंट। L बराबर 1 है, M बराबर 0 है, तो आप देख रहे हैं cos थीटा है, अब थीटा पर डिपेंडेंस हो गया है, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है और cos थीटा है, phi पर डिपेंडेंस अभी भी नहीं है। लेकिन L बराबर 1 के साथ अगर M बराबर 1 है तब फिर वैसी हालत में ये फंक्शन बदल जाता है, यहाँ पे sin थीटा हो जाता है और एक phi डिपेंडेंस e^iφ आ जाता है। ऐसे ही आप यहाँ देखें, अगर L बराबर 1 है और M बराबर माइनस 1 है तो फिर ये फंक्शन तो वही है लेकिन यहाँ पे iφ की जगह पे ये माइनस iφ है, तो ऐसा ये फंक्शन है। L बराबर 2 है, M बराबर 0 है, तो कुछ इस प्रकार 3 cos² θ - 1, ये डिपेंडेंस है, phi नहीं है। जब भी M बराबर 0 होगा तो phi नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा e पे पावर iμφ ऐसा होता है। तो M बराबर जब 0 हो जाएगा तो वो पार्ट 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए M बराबर 2 है तो 2 times iφ ऐसा ये है और ये sin²θ। तो ऐसे ही हर L के लिए और M के लिए एक खास वो YLM है। और याद रखिए क्या है ये YLM, ये L स्क्वायर के आइगन फंक्शन हैं और LZ के भी आइगन फंक्शन हैं। L स्क्वायर के आइगन फंक्शन हैं ये, इसके साथ ये हैं उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ ये हैं, और अगर आपने LZ के बारे में कहा तो ये है उसका आइगन वैल्यूज़ M टाइम्स H क्रॉस। तो इतनी जानकारियाँ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की भी हमने थोड़ी चर्चा की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की भी ये सब चर्चाएं हो रही हैं। और फिर से याद दिला दूं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अर्थात आर क्रॉस पी वाला एंगुलर मोमेंटम, वो ऑर्बिट में है क्या है उससे कोई बहस नहीं है, मोशन में होना चाहिए। अगर मोशन के कारण से वो एंगुलर मोमेंटम है तो उसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं और उसी के लिए सब एनर्जी के, इसके एंगुलर मोमेंटम के, एल स्क्वायर के, एल जेड के आइगन वैल्यूज़ हैं और ये आइगन फंक्शंस हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम ने क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में बहुत योगदान दिया है, जो उसके स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वहाँ से काफ़ी कुछ शुरू हुआ था
बोर की का मॉडल उसी के कारण से निकला और बहुत कुछ हुआ, और बाद में नील्स बोर ने खुद क्वांटम मैकेनिक्स के विकास में बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हाइड्रोजन एटम की हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम में हम लोग एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के रूप में और एक इलेक्ट्रॉन है, और उसके कारण से हम लोग लिखते हैं उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वी आर, वो वी आर होगी क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऐसा अगर केवल कूलम्ब इंटरैक्शन हम देखें, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्ब अट्रैक्शन है, सिर्फ उसी को अगर हम देखें तो उसके करस्पॉन्डिंग ये पोटेंशियल एनर्जी है। और हमने न्यूक्लियस को बिल्कुल पॉइंट पार्टिकल माना है तब की बात है। अगर न्यूक्लियस पॉइंट पार्टिकल नहीं हो करके थोड़ा उसका साइज है तो ये इक्वेशन न्यूक्लियस के बाहर के लिए सही है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें ये पोटेंशियल इतना नहीं है। तो ये सब अप्रॉक्सीमेशंस हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ कूलम्ब इंटरैक्शन माना है और पॉइंट पार्टिकल माना है, बिल्कुल मैथमेटिकल पॉइंट पार्टिकल माना है इस न्यूक्लियस को, तब हम ऐसा लिखते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है जब हम कोई सिस्टम कंसिडर करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि उसकी एनर्जी के आइगन फंक्शंस क्या हैं, उसके एनर्जी के आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि उससे हम टाइम डिपेंडेंस, वेव फंक्शन कैसे बदलेगा समय के साथ क्या होगा, इन सारी चीज़ों की आगे गणनाएँ करते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर में वो आता है, तो इसलिए हम पहला इक्वेशन लिखेंगे अगर उसका वेव फंक्शन, और चूंकि हम आइगन फंक्शन ढूंढ रहे हैं तो हम फाई लिखेंगे उसी प्रकार से, फाई आर थीटा फाई। हैमिल्टोनियन ऑपरेटिंग ऑन दिस शुड गिव मी एनर्जी टाइम्स फाई फंक्शन, ये है वो आइगन वैल्यू इक्वेशन इसके लिए, एनर्जी के लिए। ये एच है हैमिल्टोनियन, और ये एच क्या है हैमिल्टोनियन, एनर्जी का एक करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर। तो जो काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है वो अब है माइनस एच क्रॉस बाय टू एम। एक्स वाई जेड में लिखें तो आसान है, डेल टू डेल एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ तक लिखा करते थे काइनेटिक एनर्जी के लिए, लेकिन अब हम इसमें दो टर्म और जोड़ेंगे, डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल जेड स्क्वायर। ऐसा ये काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हो गया, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी अर्थात माइनस ई स्क्वायर बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए थोड़ा घालमेल है, यहाँ आर है यहाँ एक्स वाई जेड है, अगर एक्स वाई जेड में हमें सब कुछ लिखना होता तो इस आर की जगह हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन तब उस इक्वेशन को हल करना बहुत ही मुश्किल होता हमारे लिए। ये तो ये है ये हैमिल्टोनियन, और इसके आगे आप लगाएंगे वाई आर थीटा फाई, ये इस पे ऑपरेट कर रहा है और ये बराबर होना चाहिए ई टाइम्स फाई। तो चूंकि हमें डिफरेंशिएट करने हैं और हम आर थीटा फाई में ही काम करना चाहते हैं, हमारा जो पोटेंशियल है वो थीटा फाई से इंडिपेंडेंट है, तो हम इस सारे को आर थीटा फाई में लिखना चाहेंगे, और वो आर थीटा फाई में जब इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो क्या इक्वेशन बनता है वो इधर आप देखिए। वो जो हैमिल्टोनियन है वो हैमिल्टोनियन यहाँ पे आर थीटा फाई में लिखा गया है, एक्स वाई जेड को बदल करके, और इसको यहाँ पे आर थीटा फाई में लिखा गया है। ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, ये टर्म यहाँ पर जो कहते हैं, और बाकी इधर का जो पार्ट है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम के बाद ये जो पार्ट है वो देखिए वो इतना ऐसा आ रहा है, आर है थीटा है फाई है। तो जब हम उस इक्वेशन को लिखते हैं एच फाई बराबर ई फाई, ऐसा जब हम लिखते हैं उसके बाद बहुत सारा डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें सॉल्व करके और फिर वो एनर्जी के आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज निकालने होते हैं। तो थोड़ा बहुत करके हम लोग ये जो पूरा हैमिल्टोनियन है, एक बड़ी बात ये है कि ये पूरा जो हैमिल्टोनियन है ये और एल स्क्वायर ये भी आपस में कम्यूट करते हैं, और एल जेड के साथ भी ये हैमिल्टोनियन आपस में कम्यूट करता है, और एल स्क्वायर और एल जेड तो आपस में कम्यूट करते ही हैं। हाँ, आपको याद होगा कम्यूट करने का अर्थ है कि आप पहले इसको ऑपरेट करें या पहले उसको ऑपरेट करें, एक ही रिजल्ट मिलता है। और ऐसा जब होता है तो इन सबके
कॉमन आइगन फंक्शंस होते हैं। तो जो एल स्क्वायर एल जेड के आइगन फंक्शंस हैं वही आइगन फंक्शंस एच के भी होंगे। तो हम इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि इस एल स्क्वायर एल जेड के आइगन फंक्शंस हमें पहले ही से पता हैं। एल स्क्वायर एल जेड के आइगन फंक्शंस हमें पहले ही से पता हैं, ये है वो। तो इसलिए ये तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद एक आर का फंक्शन कोई और है, किसी भी फंक्शन से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो जो है वो भी एल स्क्वायर एल जेड का आइगन फंक्शंस रहेगा। तो हम इसलिए ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का वही वाले हिस्से हम ढूंढते या वैसे ही फंक्शंस हम ढूंढते हैं जो एल स्क्वायर और एल जेड के हैं। तो इसलिए थीटा फाई का तो हमें पता हो गया, थीटा फाई का तो रूप यही आने वाला है, केवल आर में कौन सा फंक्शंस है वही देखने की बात है। तो वो अगर आप देखते हैं तो थोड़ा और सरलीकरण करने पे अगर आप एक यू डिफाइन करें, यू ऑफ आर डिफाइन करें, क्या आर इंटू एफ आर, एफ आर क्या लिख रहा हूं मैं, ये एफ आर क्या लिख रहा हूं, ये जो फाई है आर थीटा फाई, इसको हम लिख सकते हैं सम फंक्शन ऑफ आर टाइम्स वाई एल एम थीटा फाई, क्योंकि थीटा फाई डिपेंडेंस तो हमें पहले ही से पता है क्योंकि एल स्क्वायर और एल जेड के भी आइगन फंक्शन है। चूंकि ये एल स्क्वायर एल जेड के भी आइगन फंक्शंस हैं इसलिए थीटा फाई वाला तो डिपेंडेंस ऐसा ही कुछ होगा, तो इसलिए ये तो हमने पहले ही लिख दिया। अब जो बच गया केवल आर डिपेंडेंस, वो है ये एफ आर, और उस एफ आर को हम लिखते हैं इस प्रकार से, यू आर डिफाइन करते हैं आर इंटू एफ आर। तो जब ये सब चीज़ इस इक्वेशन में आप रखेंगे तो आपको यू में एक इक्वेशन मिलेगा जो अपेक्षाकृत थोड़ा आसान दिखेगा। इतना लंबा चौड़ा जो यहाँ दिख रहा है इस U में जब लिखेंगे तो ये केवल R का फंक्शन है, इसलिए पूरा D लिख रहा हूँ मैं, डी टू यू डी आर स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे L L प्लस वन बाई टू एम आर स्क्वायर है, ये L फिक्स्ड है कांस्टेंट है, ये वाला जो L है यही वाला L यहाँ आ रहा है, और ये M पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस सबको हम E लगा देते हैं, ये मास है, ये एम ई है, ये मास है, ये यहाँ पर भी एक एम है, ये एम, ये दूसरा एम है, ये एम जो है वो सिर्फ संख्या है, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू, और ये इलेक्ट्रॉन का मास है तो उसको आप एम ई लगा के लिख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा इक्वेशन ये बनता है, ये इक्वेशन, इसको फिर हल करने के अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के तरीके हैं, और वो जब करते हैं तब फिर हमें उसमें से एनर्जी के आइगन फंक्शंस मिलते हैं, इसका ये रेडियल पार्ट मिलता है, आर वाला पार्ट मिलता है, एफ आर मिलता है, और तब हम पूरा इक्वेशन उसका लिख सकते हैं। तो अब जो इसको हल करेंगे तो एक और नंबर आने वाला है, इंटीजर आने वाला है एन, एन बराबर वन, एन बराबर टू, एन बराबर थ्री, ये सब आने वाले हैं। कहाँ से आ रहे हैं ये सब एन, या उधर L और M सब कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं जब आप वेव फंक्शन के ऊपर जो उनकी अपनी ज़रूरतें हैं, जो अनिवार्यताएं हैं, क्या अनिवार्यताएं, वेव फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, तो होगा ही यहाँ तो कोई गैप नहीं है, शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर, हर जगह फाइनाइट होना चाहिए, हर जगह फाइनाइट होना चाहिए। फिर इन्फिनिटी पर अगर आप जा, इन्फिनिटी की ओर अगर जा रहे हैं आप, तो एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इस फाई को भी ज़ीरो होना चाहिए, स्क्वायर इंटेग्रेबल होना चाहिए, ये सब जो बंधन हैं ये इसकी अपनी ज़रूरतें हैं, ऐसा होना ही चाहिए, इंटेग्रेबल, ये सब जब आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो पता चलता है वो खाली इन्हीं इन्हीं वैल्यूज़ के लिए आपको मिल सकते हैं फंक्शन, दूसरे 1.5, 1.3, 2.7 इन सब के लिए नहीं मिल सकते हैं जो इनको इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, और इसलिए यही खास खास एनर्जीज जो हैं वो हो सकती हैं हाइड्रोजन एटम में। तो क्या क्या पैरामीटर्स हो गए, एक एन, दूसरा एल, और तीसरा वो एम, क्योंकि पूरा फंक्शन जब लिखेंगे तो आपको ये भी लिखना है, एल भी बताना पड़ेगा, एम भी बताना पड़ेगा, और एफ आर जब लिखने जाएंगे, एफ आर जब लिखने जाएंगे तो ये एन भी आ जाएगा। तो एन एल एम ये तीन चीज़ जब बता देते हैं हम, तो हम कहते हैं कि हमने पूरा वेव फंक्शन बता दिया स्पिन छोड़ करके। तो
तो ऐसा हमारा वेव फंक्शन है। तो अब हम शुरू में ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी के लिए उससे ऊपर वाला वेव फंक्शन क्या है, कितने आइगन फंक्शंस हमारे पास में है एक एनर्जी के ऊपर, इनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और आप बोर मॉडल से थोड़ा कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और अभी जो हम हाइड्रोजन एटम के बारे में जानते हैं, केमिस्ट्री खास करके केमिस्ट्री पेपर इस्तेमाल करते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर में 1s, 2s, 2p ये सब की भी हम थोड़ी सी हल्की सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोएस्ट एनर्जी के स्टेट की चर्चा करें, ग्राउंड स्टेट की चर्चा करें। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट के लिए ये एनर्जी के एक्सप्रेशन यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और ये बोर थियोरी बोर मॉडल से जो आता है एग्जैक्टली वही आ गया है यहाँ पे। ये कितना बड़ा संयोग है या इसके पीछे कोई क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच का कोई बड़ा गठजोड़ है ये मुझे पता नहीं है, ये एक शोध का विषय है। लेकिन एनर्जी का एक्सप्रेशन बोर के मॉडल से भी यही मिलता है, और इस इतना सारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके भी वही मिलता है। और मिनिमम एनर्जी के लिए ये एन को वन होना चाहिए, और तब ये जो चीज़ है वो हो जाती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप जानते हैं मिनिमम के लिए, और उसके दूसरों के लिए बटा एन स्क्वायर। उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है, एनर्जी आइगेन फंक्शन है, वो ये लिखा हुआ है एन बराबर वन, एल बराबर जीरो, एम बराबर जीरो। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, थीटा और फाई पर ये डिपेंड नहीं करता है। एल बराबर जीरो है, एम बराबर जीरो है, और आप जानते हैं एल बराबर जीरो, एम बराबर जीरो होने पर जो YLM है, थीटा फाई वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए ये थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल R पे डिपेंड कर रहा है, और वो डिपेंडेंस यहाँ है e-r/, फिर से एक कांस्टेंट आया है। ये क्या कांस्टेंट है? ये कांस्टेंट है, ये इसको कहते हैं बोर रेडियस। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इसको कहते हैं बोर रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये इतना इसका वैल्यू होता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर है। तो अब इसको आप देखें, ये अगर वेव फंक्शन है और e-r/a0 है, तो अगर आप इसको प्लॉट करें, जो कर सकते हैं इस बार हम, क्योंकि इसमें i नहीं है एटलीस्ट, तो R बराबर जब आप जीरो देंगे तो ये वन हो जाएगा और ये कुछ कांस्टेंट होगा, और उसके बाद लगातार घटेगा, ऐसा लगातार घटेगा ऐसा, और कैसा घटेगा, वो 1/e रह जाएगा कितनी देर के बाद, R बराबर ए नॉट पर, तो यहाँ कहीं पर ये ऐसा रह जाएगा। बोर के मॉडल में ग्राउंड स्टेट में आप प्रोटॉन हैं, और आप कहते हैं उसका एक रेडियस है, उस रेडियस के ऊपर उसको सर्कल में जाना है, और उसके इधर भी इलेक्ट्रॉन को नहीं रहना है, उसके इधर भी इलेक्ट्रॉन को नहीं रहना है। और अभी आप देख रहे हैं वेव फंक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ओरिजिन के ऊपर है, और उसके बाद जैसे जैसे दूर जाते हैं वेव फंक्शन घटता ही जाता है। तो यहाँ आप छोटा सा वॉल्यूम बनाइए और पूछिए क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के यहाँ पाए जाने की, और आप यहाँ बनाइए क्या प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की, तो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। बोर मॉडल में सब हमेशा इसको यहीं रहना चाहिए था, इतने डिस्टेंस पर रहना चाहिए था, और स्फेरिकली सिमेट्रिक है इस बार, किसी खास आर पे जितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, जो वेव फंक्शन है आप मॉड फाई स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, उतने आर पे आप इधर रहें, उधर रहें, उधर रहें, उधर रहें, प्रोटॉन से उतनी दूरी पर कहीं भी रहें, उतनी प्रोबेबिलिटी है। तो पूरा एक भरा भरा सा है, और केंद्र के पास में ज़्यादा और धीरे धीरे आगे बढ़ो तो कम, वैसा। और अगर आप ये पूछें कि ये R डिस्टेंस और ये R+dr डिस्टेंस, इसके बीच में रहने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके बीच में पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो R के फंक्शन में, उतना ही बड़ा dr आप इतने R पे बनाएं, इतना ही बड़ा dr आप कहीं और बनाएं, और तब पूछें इस R पे होने की, यानी R से R+dr के बीच होने की किसी भी डायरेक्शन में कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और वो अगर करेंगे तो वो R स्क्वायर 4π R स्क्वायर,
और टाइम्स मॉड साई का स्क्वायर तो है ही, यानी ई पे पावर माइनस टू आर बाई ए नॉट, ऐसा प्रोबेबिलिटी बनेगी प्रोपोर्शनल टू दिस, इसके प्रोपोर्शनल बनेगी। और इसको अगर आप प्लॉट करें, इस रेडियल प्रोबेबिलिटी को अगर आप प्लॉट करें, तो वो रेडियल प्रोबेबिलिटी आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि r बराबर जीरो पे इसके कारण से जीरो होना है, और जब लंबे दूरी पे जाएंगे तो इनके कारण से फिर उसको घटते जाना है, बीच में कहीं पर मैक्सिमम होना है। और ये कहाँ पर मैक्सिमम होता है, वो वही बोर का जो रेडियस है n बराबर वन के लिए, बोर का जो प्रेडिक्शन है कि इतने पर आपको स्टेशनरी ऑर्बिट मिलेगा, वहीं पर इसको मैक्सिमम होना है। तो ये इसकी इसकी कहानियाँ हैं। एंगुलर मोमेंटम पर अगर आप देखें, बोर मॉडल में अगर जाएंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम h बाई टू पाई है, h क्रॉस है, n n टाइम्स h बाई टू पाई लिखते हैं, m इंटू वी इंटू आर बराबर n टाइम्स h बाई टू पाई, ऐसा लिख करके आगे बढ़ते हैं। तो उसके अनुसार इतना होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम को, लेकिन हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम जीरो है, एल बराबर जीरो है, एम बराबर जीरो है, यहाँ पे मामला फंसता है, उसके साथ हमारा कोई नई तालमेल बनता है। तो इस तरह से बहुत सारा आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो एक ख़ास ऑर्बिट में, एक ख़ास सर्किल में पाए जाने की ही प्रोबेबिलिटी नहीं है, पूरे वॉल्यूम में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। और आगे बढ़िए, इसी प्रकार से अगर आप अगले पे जाते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं, अगर आप n बराबर वन की जगह n बराबर टू पे जाते हैं तो क्या होता है। तो अगर आप n बराबर टू पर जाएं, तो फिर l का मान जीरो भी हो सकता है और l का मान वन भी हो सकता है। तो l बराबर जीरो वाला अगर आप देखें फंक्शन, l बराबर जीरो है तो m को जीरो होना ही पड़ेगा, उस समय जो वेव फंक्शन है वो इस प्रकार से है। फिर से थीटा फाई नहीं है, क्योंकि l बराबर जीरो है, m बराबर जीरो है, तो थीटा फाई नहीं होंगे, ये ऐसा होगा। और इसके अनुसार अगर आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखें, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी r से r प्लस डी आर, इस शेल के अंदर में उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाय ऑफकोर्स डी आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसको अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह का मिलेगा आपको। वो इस तरह का मिलेगा आपको ऐसा। r बराबर टू टाइम्स a नॉट पर ये जीरो हो जाएगा, ये r बराबर टू a नॉट इस जगह पे ये जीरो हो जाएगा, और फिर आप इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस बार बोर थ्योरी से इसका बिल्कुल रिश्ता उल्टा पुल्टा हो गया है, और इसका जो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, वो एक बार यहाँ इस आर पर मैक्सिमम हो रही है, आर पे मतलब उस शेल के अंदर में, और एक बार इस आर पे यहाँ पे ये मैक्सिमम हो रही है। तो ऐसा अलग अलग किस्म का वेव फंक्शंस हो सकता है। और चूंकि एन बराबर टू है, एल बराबर ज़ीरो से और वन, राइट, ज़ीरो और वन दोनों हो सकते हैं। और अगर एल बराबर वन ले लिया हमने, तो फिर जो एम है उधर वाला एम, वो प्लस माइनस वन भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जो फंक्शंस हैं, आइगन फंक्शंस हैं, वो ऐसे बनते हैं, एनर्जी डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन वो बनते हैं। तो जो हमारी केमिस्ट्री में हम 1s, 2s, 2p वगैरह कहते हैं, और जिनके हम कहते हैं p में 6 हो सकते हैं स्पिन को मिला करके, और ये सारी चीज़ें जो हैं, बॉन्डिंग जैसे होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब इसमें से निकल करके आती हैं। तो ये हमारा एक क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन है हाइड्रोजन एटम का, जो कि बोर मॉडल से बहुत अलग है, और लेकिन एनर्जीज़ का एक्सप्रेशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसीलिए बोर मॉडल अभी भी बहुत उपयोगी कहा जाता है। तो ये हमारा 30 लेक्चर्स का कोर्स यहाँ हम ख़त्म करते हैं, और फिर अगले कोर्स के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।